ఇక్కడ ఢిల్లీలో పరీక్షా పేపై చర్చ జరుగుతుంది. రాయ్ త్వర చూద్దాం. आज स्वच्छता देश का प्राइम एजेंडा बन गया कि नहीं बन गया? स्वच्छता तो छोटा विषय था, लेकिन अगर मैं उसे जान मैंने भर दी तो वो बहुत बड़ा बन गया. इसलिए हम ये न सोचे, आपने देखा होगा कल मैं पूरा तो पढ़ नहीं पाया, लेकिन मेरा नजर गई कि किसी ने कहा है कि पिछले 10 साल में आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में भारत का मार्केट 250 गुना बढ़ गया है. अब आज से पहले कोई पेंटिंग करता तो मां बाप कहते पहले पढ़ाई करो, वैकेशन में पेंटिंग करना. उसको लगता ही नहीं था कि पेंटिंग भी जीवन में महत्व का विषय हो सकता है. और इसलिए हम किसी चीज को कम ना आके हमारे में दम होगा तो हम उसको जान भर देंगे. हमारे में सामर्थ्य होना चाहिए और जो चीज हाथ में लें उसमें जी जान से जुट जाएं. हम आधे अधूरे, यार उसने ये लिया मैं ये लेता तो शायद अच्छा होता, उसने ये लिया मैं ये लेता तो अच्छा होता, ये उलझन आपको बहुत संकटों में डाल सकती है. दूसरा विषय है कि आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने आपके लिए बहुत सुविधा कर दी है. आप एक क्षेत्र में बढ़ रहे हैं लेकिन आपको कहा मन कर गया चलो एक और ट्रायल करना है तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, आपकी राह बदल सकते हैं. आपको किसी पर बंध रहने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप प्रगति कर सकते हैं. और इसलिए अब शिक्षा में भी बहुत, आज मैं भी एग्जीबिशन देख रहा था, मैं देख रहा था कि बच्चों की प्रतिभा जिस प्रकार से प्रकट हुई है प्रभाव करने वाली है. सरकार का INB मिनिस्ट्री सरकार की योजनाओं को कम्युनिकेट करने के लिए जो करे उससे ज्यादा मैंने देखा इन बच्चों ने बहुत अच्छा किया है. नारी शक्ति का महत्व इतने बढ़िया तरीके से रखा है. इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी हालत में हमें निर्णायक होना ही चाहिए. और एक बार निर्णायक होने की आदत लग जाती है ना फिर कंफ्यूजन नहीं रहता है. वरना तो आपने देखा होगा कि कभी हम रेस्टोरेंट में चले जाएं परिवार के साथ, आप याद कीजिए, आप मुझे तो वो मौका नहीं मिलता है लेकिन आपको मिलता होगा. रेस्टोरेंट में जाते होंगे पहले आप सोचते होंगे मैं ये मंगवाऊंगा, फिर बगल वाले टेबल पर कुछ देखते हैं तो कहता है नहीं ये नहीं ये मंगवाऊंगा. फिर वो बेरा जो है कुछ और ट्रे में लेके जाकर दिखता है मुझे, यार ये कुछ और है, नहीं नहीं ये क्या है भाई ये है, अच्छा मेरे वो दो कैंसिल ये ले आओ. अब उसका कभी पेट ही नहीं भरेगा जी, उसको कभी संतोष नहीं होगा. और जिस डिश आएगी तो उसको लगेगा यार इसके बजाय वो पहले वाला ले लिया होता तो अच्छा होता. जो लोग रेस्टोरेंट के डाइनिंग टेबल पर निर्णय नहीं कर पाते हैं वो कभी रेस्टोरेंट का या खाने का आनंद नहीं ले सकते हैं. आपको निर्णय बनना पड़ता है. अगर आपकी मां आपको डेली सुबह पूछे आज क्या खाओगे और आपके सामने 50 वैरायटी बोल दे आप क्या करोगे, घूम फिर करके आ जाओगे रोज खाते हो और वहीं पर आके खड़े हो जाओगे. मैं समझता हूं कि हमें आदत डालनी चाहिए कि हम निर्णायक बने. निर्णय लेने से पहले 500 चीजों को हम बारीकियां देखें, उसके प्लस माइनस पॉइंट देखें, प्लस माइनस पॉइंट के लिए किसी से पूछे, लेकिन उसके बाद हम निर्णायक बने. और इसलिए कंफ्यूजन किसी भी हालत में आप किसी के लिए अच्छा नहीं है. अनिर्णायकता और खराब होती है और उसमें से हमने बाहर आना चाहिए. थैंक यू.